हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। 11,200 के टारगेट मैंने आपको बोले थे निफ्टी में, और अगर आप आज का लो देख सकते हो, 11,202 का लो बनाया है। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। और मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी टारगेट दिया था 22,000 तक का, अगर आपको याद है 22,128 का लो बनाया, उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा हमें एबनॉर्मल एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो, सो ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 दिन से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, और कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। सो कल हो सकता है ग्रीन कैंडल फॉर्म हमें देखने को मिले यहाँ पर, और एक पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हो सकती है 22,500 से लेके 23,000, ये रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट सी टुमारो कहाँ पे एक्सपायरी होती है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसमें 11,300 से लेके 11,400, ये 100 पॉइंट के रेंज में मुझे लग रहा है एक्सपायरी पॉसिबल है। सो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो अपने ट्रेड्स। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको ACC सेल दिया था 1302 के नीचे, और आप देख सकते हो 1290 का लो बनाया इसने, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। सो डेफिनेटली आपको इंट्राडे में अच्छा पैसा आया होगा ACC में। एशियन पेंट मैंने सेल दिया था 1952 के नीचे, और उसमें सेल लेवल जो है वो सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, सो एशियन पेंट में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने सेल दिया था 285 के नीचे, और आप देख सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, 274 तक का लो बना के उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली है। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस और ACC, ये दोनों ट्रेड में आपको अच्छा पैसा आया होगा। एशियन पेंट में लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, सो एशियन पेंट में कोई ट्रेड नहीं लिया है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में, कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा डीमार्ट। डीमार्ट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत वीक लग रहा है, आप देख सकते हो बहुत नेगेटिव प्राइस एक्शन है। एक शार्प फॉल देखने को मिला, एक रिट्रेसमेंट हुआ, अब वापस एक फॉल कंटिन्यू हो रहा है, और अगर ये लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। सो डीमार्ट काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ग्रासिम काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है, क्योंकि ग्रासिम अगर आप देखो ट्रेंड अभी भी अप है, और नीचे के लेवल से इसमें अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखो 670 का लो बना के वापस ऊपर ही क्लोज हुआ है, ग्रासिम में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। ग्रासिम काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है इंट्राडे के लिए। लास्ट स्टॉक होगा UPL। UPL मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनता है, ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक कर सकता है, और राउंड ऑफ नंबर के पास है 500 के ऊपर, एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन UPL का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग की तरफ। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सा ट्रेड लिया और कौन से ट्रेड में आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे पता चलता है कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, तो मैं वो सेटअप्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।